नमस्कार, टीएमटी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज 24। कपिल सिब्बल का सोनिया गांधी पर सीधा वार, कहा हटे गांधी परिवार, दूसरे नेता को मौका दे। नई दिल्ली, 5 राज्यों में करारी हार, नेतृत्व परिवर्तन की मांग। कांग्रेस से नेताओं का पलायन सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस के पुराने नेताओं का दर्द छलक रहा है। लगभग 130 साल के इतिहास में कांग्रेस का अब से ज्यादा पतन संभव कभी नहीं हुआ था। इस पतन से कांग्रेस पुराने नेता बेहद चिंतित है और नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। दिग्गज कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल भी इसमें शामिल है। कांग्रेस में सुधार की मांग करने वाले ग्रुप 23 के नेताओं में सिर्फ कपिल सिब्बल पहले ऐसे नेता है जिन्होंने खुलकर सोनिया गांधी से पद छोड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अब गांधी परिवार को कांग्रेस नेतृत्व का भार छोड़ देना चाहिए और किसी दूसरे नेता को इसका दायित्व देना चाहिए। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा है कि पार्टी नेतृत्व कोयल की धरती, यानी उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है, वास्तविकता से उनका वास्ता ना होना में जी रही है। 8 सालों से पार्टी के लगातार पतन के बावजूद भी वो नहीं चेत रहे हैं तो यह कांग्रेस के लिए दुर्भाग्य की बात है। गौरतलब है कि 2020 में कांग्रेस में सुधार की मांग के साथ ग्रुप 23 नेताओं की एक टोली बनी थी। अब इस ग्रुप के नेता खुलकर नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर कांग्रेस के गद्दावर नेताओं में शामिल कपिल सिब्बल का दर्द छलक गया है। हालांकि उनका कोई सुनने वाला नहीं है। कपिल सिब्बल कहते हैं, कुछ लोग कांग्रेस के अंदर के आदमी हैं, कुछ लोग कांग्रेस के बाहर के आदमी हैं, लेकिन असली कांग्रेस और सबकी कांग्रेस के लिए ही कांग्रेस के बाहर के आदमी को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का जिस तरह पतन हो रहा है वह मुझसे देखा नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मैं अंतिम सांस तक सबकी कांग्रेस के लिए संघर्ष करता रहूंगा। सिब्बल ने कहा है, सबकी कांग्रेस का मतलब सिर्फ साथ ही नहीं होना है बल्कि भारत में उन सभी लोगों को एक साथ लाना है जो बीजेपी को नहीं चाहते हैं। हमें ऐसा दृष्टिकोण अपनाना होगा जिसमें परिवर्तन की सभी ताकतों, जो इस देश में सभी संस्थानों के इस निरंकुश कब्जे के खिलाफ है, को एक साथ आने की जरूरत है। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी हुई, शरद पवार हुए, ये सब कांग्रेसी थे लेकिन सभी दूर चले गए। हमें इन सबको साथ लाना है। 177 सांसद विधायकों ने कांग्रेस छोड़ा है। कपिल सिब्बल ने कहा, वर्तमान चुनाव परिणाम से मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। 2014 से हम लगातार हार रहे हैं। हम एक के बाद एक राज्य हार रहे। जहां हम सफल हुए वहां भी हमको खुद को नहीं रख पाए। कांग्रेस के आदमियों का पलायन आज भी बदसूर जारी है। दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस से ऐसे लोगों का पलायन हुआ है जिन्हें नेतृत्व का भरोसा था। कपिल सिब्बल ने कहा, 2014 से अब तक लगभग 177 सांसद और विधायक और 222 उम्मीदवार कांग्रेस छोड़ चुके हैं। किसी भी अन्य पार्टी में इतनी बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस छोड़कर नहीं, लाखों लोग जो बीजेपी की विचारधारा के विरोधी है। कपिल सिब्बल ने कहा, इस देश में ऐसे लाखों लोग हैं जो किसी भी राजनीतिक दल में नहीं है लेकिन जिनकी विचार प्रक्रिया समावेशी, एकजुटता, शांति, सद्भाव, भविष्य में परिवर्तन के लिए कांग्रेस की विचार प्रक्रिया से मेल खाती है। ऐसे लाखों लोग हैं जिनका मकसद आम लोगों की भलाई, गरीबों को दूर करना, निरक्षरता को दूर करना है। ऐसे लोग अपनी विचार प्रक्रिया के माध्यम से कांग्रेसी है। इसे ही मैं सबकी कांग्रेस कहता हूं। कुछ लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि कोई भी हो सकते हैं, एबीसी कोई भी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इन एबीसी को लगता है कि घर की कांग्रेस के बिना सबकी कांग्रेस नहीं चल सकती। हमारे लिए यही चुनौती है। मैं किसी भी एबीसी के खिलाफ नहीं हूं लेकिन हमें इस चुनौती को स्वीकार करना होगा। आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के साथ अपनी राय जरूर दें। और देखते रहिए टीएमटी न्यूज 24।